तो आप देख सकते हैं कि उनका जो लाइफ टाइम स्पेंड है वो अभी तक 81K, मतलब 81,000 रुपीज़ का इनका लाइफ टाइम स्पेंड है फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जिसमें स्मार्ट आरओआई और सीपीसी दोनों हैं, जिसके बदले इनको जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो हुआ है 5,45,000 का। तो इनका जो आरओआई निकल के आ रहा है ओवरऑल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन। एक नए सेलर को फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट ये वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगा और वो अच्छे से कर पाएगा फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग, क्योंकि आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलर की सक्सेस जर्नी में। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट में एक सेलर दो तरीके के बेसिकली कैंपेन क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट हो गया सीपीसी, जिसका मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। सेकंड हो गया स्मार्ट आरओआई, जिसका मतलब है स्मार्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या फ़र्क है बेसिकली इन दोनों में? सीपीसी जब भी कोई सेलर क्रिएट करता है तो उसको एक पर्टिकुलर बजट फ्लिपकार्ट को अलॉट करना पड़ता है, और उसके रिटर्न में फ्लिपकार्ट उसको कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्लिक्स अलॉट करता है, जिससे उसके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, और जितने वो क्लिक्स होते जाते हैं उतना उसका बजट डिडक्ट होता रहता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो, फॉर एग्जाम्पल कोई नया सेलर है, वो फ्लिपकार्ट को 1,000 रुपीज़ देता है या उनके वॉलेट में ऐड करके कैंपेन सीपीसी क्रिएट करता है, उसके रिटर्न में फ्लिपकार्ट फॉर एग्जाम्पल 1 रुपये बिडिंग वाले 1,000 क्लिक उसको अलॉट कर देता है। मतलब कि 1,000 रुपये में उसको 1,000 क्लिक्स मिल जाते हैं। वो 1,000 क्लिक सेलर लेता है और उस पे 5, 10, 15 प्रोडक्ट, जितने भी वो प्रोडक्ट उस कैंपेन में लगाना चाहता है, उन कैंपेन में डालना चाहता है, वो डाल देता है, और उसके बेसिस पे उस पे प्रोडक्ट पे क्लिक आते रहते हैं और बजट डिडक्ट होता रहता है। सेल हो या नहीं हो, कन्वर्जन हो या नहीं हो, इससे फ्लिपकार्ट को कोई भी मतलब नहीं है। वो बस एक क्लिक्स आपको दिलवा देता है, फिर वो सोचता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आपने सही प्राइसिंग में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सही उसकी प्रेजेंटेशन, इमेजेस बढ़िया हैं, लिस्टिंग बढ़िया है, तो वो उम्मीद करता है कि आपको अपने आप ही सेल कन्वर्जन आएगा, कुछ तो आएगा ही, कम आएगा या ज़्यादा आएगा वो आपका कैंपेन परफॉर्म करेगा जब पता लगेगा, बट रिजल्ट आएगा। अब सेकंड तरह का कैंपेन आ जाता है स्मार्ट आरओआई। स्मार्ट आरओआई कैंपेन में क्या होता है कि हम फ्लिपकार्ट को बोलते हैं कि हमें इतना एक्सपेक्टेड आरओआई है। आरओआई का क्या मतलब है? हम अगर बोलते हैं कि जैसे हमारा, हमने 1,000 रुपये का बजट चलाया, तो हम फ्लिपकार्ट को बोलते हैं कि हमको 6,000 की सेल चाहिए, तो हम एक्सपेक्टेड आरओआई 6 का डालते हैं। ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया है, आप इसमें कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि फ्लिपकार्ट आपको उतना आरओआई देगा। हाँ, फ्लिपकार्ट का जो ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट का स्मार्ट आरओआई का सिस्टम बना हुआ है, वो ट्राई करता है कि वो अचीव कर पाए आपकी आरओआई जो आपने डाली है, बट बात वहीं आ जाती है कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आप 5 ROI डालें, 10 डालें, उससे फ़र्क नहीं है। वो अल्टीमेटली या तो बर्न हो जाता है बजट, या फिर वो कैंपेन ही पॉज हो जाता है और आपका बजट ही यूटिलाइज नहीं होता। ये अक्सर देखा गया है हमने स्मार्ट ROI कैंपेन में, ऐसा ही होता है। अब जल्दी से मैं आपको एक हमारे क्लाइंट का अकाउंट बता देता हूँ। बिल्कुल नए सेलर हैं, 8-10 महीने से ही ऑपरेट कर रहे हैं और वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करते हैं, तो मैं उनके आपको रिजल्ट बताता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे एक क्लाइंट हैं, एक सेलर हैं, जिन्होंने हमसे पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग का प्रोग्राम लिया है, और ये लगभग लगभग 8 to 10 months पुराने ही सेलर हैं और एडवर्टाइजमेंट में ये अच्छा स्पेंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनका जो लाइफ टाइम स्पेंड है वो अभी तक 81K, मतलब 81,000 रुपीज़ का इनका लाइफ टाइम स्पेंड है फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जिसमें स्मार्ट आरओआई और सीपीसी दोनों हैं, जिसके बदले इनको जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो हुआ है 5,45,000 का। तो इनका जो आरओआई निकल के आ रहा है ओवरऑल दोनों कैंपेन मिला के, इनका लाइफ टाइम आरओआई आ रहा है 6.7 का,
जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, इसे एक डिसेंट आरओआई कहेंगे। मतलब कि एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं तो इस सेलर ने 1000 रुपये, जब 1000 रुपये खर्च करे हैं उसको, तब तक 6700 रुपये की सेल मिली है। अब उस सेल में उसके कितने ऑर्डर डिलीवर हुए हैं, कितने रिटर्न हुए हैं वो नहीं है, ये ओवरऑल ऑर्डर्स हैं कि इतने ऑर्डर जनरेट हुए हैं, कितने डिलीवर्ड हुए हैं वो सब बात की बात है, वो उसके अकाउंट की परफॉर्मेंस मेजर करके और रिटर्न डेटा चेक करके देखना पड़ेगा। बट जो सेल जनरेट हुई है उसको, उस डेटा के हिसाब से यही समझ आ रहा है कि जब इसने 1000 रुपये खर्च करे हैं सेलर ने, इसको 6700 की सेल मिली है। तो ROI इनका 6.7 मिला है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेलर ज़्यादा पुराना नहीं है, 8-10 महीने ही हुए हैं, तो उसके हिसाब से ये ROI डिसेंट माना जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट से इसको आप देख सकते हैं 1.1K यूनिट्स, मतलब 1100 अप्रॉक्स यूनिट इसकी सेल हुई है। इसका कन्वर्जन रेट 1.73 है, वो जो कि डिसेंट माना जाता है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है पर ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और क्लिक थ्रू रेट 1.39 का माना जाता है, जो भी ये भी डिसेंट है। तो ओवरऑल और आप देख सकते हैं कि एक नए सेलर के पास आज के टाइम पे जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो वो एडवर्टाइजमेंट का टूल का यूज़ करके सेल जनरेट कर सकता है इनिशियल डेज में। अब ये जो सेल आपको दिख रही है ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल हुई है, मतलब आप ये मत सोचिए कि इसने सिर्फ 81,000 ही सेल करा है, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स है। तो जनरली क्या होता है कि आपकी कोई 10 यूनिट एडवर्टाइजमेंट से बिकती है तो उसके बाद आपकी 15 यूनिट 20 यूनिट ऑर्गेनिकली भी बिकने लग जाती है। ये एक जनरल मैं बात बता रहा हूँ, कोई फिक्स वाली बात नहीं है, बट ऐसा होता है। तो एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट करता है आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं। अब वापस बात कर लेते हैं कि कब आपको CPC चलानी चाहिए एक सेलर को और कब स्मार्ट ROI चलानी चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आपके जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लो सेलिंग है या बिल्कुल भी सेल नहीं हो रहे हैं, बट आपको लगता है कि ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छे प्राइसिंग पे लिस्ट हैं, और फिर भी इनकी विजिबिलिटी फ्लिपकार्ट नहीं दे रहा है, और आपने अपनी लेवल पे सारी ऑर्गेनिक तरीके से उसको एफर्ट लगा लिया है, तो आप उन पर्टिकुलर SKUs पे CPC चलाइए जिन पे विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जिनकी बिल्कुल लो सेल है या एकदम ज़ीरो सेल है। बट कैंपेन में मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वही SKU ऐड करना जिसमें आपको जेन्युइनली लगता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी है, साथ ही साथ आप ये मानते हैं कि उनकी प्राइसिंग भी अच्छी खासी है और आप उनको लॉन्ग टर्म प्रोक्योर भी कर पाएंगे। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपके पास कि 5-10 यूनिट ही पड़ी है और उसके बाद अगर कोई नया सेलर है, या आप अगर ऐसे सेलर हैं जिनको प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आती है, रीस्टॉक में दिक्कत आती है, आपको लगता है कि यार ये 10 यूनिट अभी तो है पर 10 के बाद मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ऐसी SKU पे एडवर्टाइजमेंट करके अपना, मतलब आप मनी बर्बाद मत करिए, अपना अमाउंट बर्बाद मत करिए, आप वही SKU डालिए CPC कैंपेन में जो आपकी बिक नहीं रही है। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात आपकी, आपको पता है कि वो SKU अच्छी हैं, वो प्रोडक्ट अच्छे हैं, अच्छी प्राइसिंग पे लिस्ट हैं, और अगर वो सारे सोल्ड आउट हो गए तो आप जल्दी से उनको प्रोक्योर करके वापस भी आप रीस्टॉक उनके कर सकते हैं। तो ऐसी सारी SKUs आप हमेशा CPC कैंपेन क्रिएट करिए उन सारी SKUs के लिए। अब बात आ जाती है स्मार्ट ROI कैंपेन के लिए। स्मार्ट ROI कैंपेन में आप वो सारे SKU डालिए जो आपकी मीडियम सेलिंग है या फिर हाई सेलिंग है, मतलब कि टॉप सेलिंग SKUs जो हैं आपकी। तो आप 2-4 SKU आपकी मीडियम सेलिंग ले लीजिए और आपकी 2-4 SKU आप टॉप सेलिंग ले लीजिए, मतलब 5-7 SKU आप एक पर्टिकुलर, अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो 5-7 SKU आप स्मार्ट ROI में डाल सकते हैं, मीडियम सेलिंग या फिर टॉप सेलिंग SKUs। स्मार्ट ROI में डालने से क्या होगा, जो आपकी ऑलरेडी बिक रही है वो और ज़्यादा बिकने लग जाएगी, मतलब एक उनको पुश मिल जाएगा और उनकी विजिबिलिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। तो एक ये प्रूवन स्ट्रेटेजी है जो मैं बता रहा हूं कि लो सेलिंग, स्लो सेलिंग, मतलब जिनकी विजिबिलिटी नहीं है उनको आप डालिए CPC में, क्योंकि उन पे क्लिक ही नहीं आ रहे, विजिबिलिटी नहीं है, मतलब क्लिक नहीं आ रहे, तो CPC उनको क्लिक देगा। और दूसरी तरफ ऐसे प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बिक रहे हैं पर आप चाहते हैं उनकी और ज्यादा सेल इंप्रूव हो और इंक्रीज हो और
और बेटर परफॉर्म करें, उन सारे प्रोडक्ट टॉप सेलिंग SKUs को आप डालिए स्मार्ट ROI कैंपेन। तो इस तरीके से अगर आप फ्लिपकार्ट पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत डाउट होती है तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट कन्फ्यूजन जो भी है वो हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।